दोस्तों नमस्कार। फाइनली गाइस लूना कॉइन को लेके काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आ गई है सीजेड बाइनेंस की तरफ से। इससे पहले भी बात हो चुकी गाइस, जो बाइनेंस का जो बर्निंग मैकेनिज्म था 1.2% एलयूएनसी कॉइन को लेके, वो भैया एक्सेप्ट कर लिया है बाइनेंस ने। मतलब कहीं ना कहीं ट्वीट पे जो बायकट वाली जो कहानी चल रही थी, बाइनेंस बायकट भैया, ये लगातार चलते जा रहा था। कल भी अपडेट में हमने शेयर किया था और आज की डेट में भी यही जो बायकट ट्वीट पे जो हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहा था, उसका इम्पैक्ट बाइनेंस पे समझ में आ गया, ताकि इनने जो अपना 1.2% का जो बर्न मैकेनिज्म जो है लूना का एक्सेप्ट कर लिया है। 21 तारीख से गाइज ये जो बाइनेंस का जो बर्निंग मैकेनिज्म है, वो इनके स्पॉट ट्रेडिंग पे जो ट्रेडिंग करोगे वहाँ पे गाइज जो बर्न और जो कह सकते हो टैक्स, वो चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव अपडेट होती है गाइज लूना कॉइन के लिए। क्यों ना गए, अभी आप स्क्रीन पे देखोगे कॉइन मार्केट के एक बार जो डेटा भैया 38% तक का प्रॉफिट दे रखा है पिछले 24 आवर्स में। मार्केट कैप देखो गाइज आपका 1.9 बिलियन जा पतला, मतलब 2 बिलियन करीब पहुंचने वाला है। और अगर मॉर्निंग की मैं बात करूँ गाइज तो 1.3 बिलियन के आसपास था, 1.3 या 4 बिलियन के आसपास। अभी आप देखो तो भैया मार्केट की जो सिचुएशन है, जो एलयूएनसी का जो मार्केट कैप है भैया, वो डबल होते नजर आ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लो आप 300% प्लस जा रही है। तो कहीं ना कहीं गाइज बाइनेंस की ये जो अपडेट थी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है होल्डर्स के लिए। फिर से एक मौका होल्डर्स ने उठाया और प्रॉफिट लिया भी है, ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसी अपडेट आ जाती है जब क्रिप्टो में हमें लगता है कि जब ये अपडेट आना रहेगा तब कॉइन बुलिश करेगा। जैसे हम कभी कभी डॉज कॉइन में देखते हैं ना कि भैया ये कहीं ना कहीं इसका हाथ घूम रहा है एलन मस्क का, अभी कुछ ऐसी पॉजिटिव अपडेट आती थी डॉज कॉइन ऊपर जाता था। सेम सिचुएशन आई है गाइस सीजेड बाइनेंस और ये जो एलयूएनसी कॉइन का जो बर्न मैकेनिज्म 1.2% के अपडेट काफ़ी टाइम से चल रही थी भैया, कैसे इंप्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा वो चीज़ें चल रही थी। मार्केट उस रीज़न से नीचे भी आया था और एक जो एलयूएनसी फाउंडर डूनो अरेस्ट वारंट, उसकी वजह से भी सिचुएशन तो ख़राब थी। लेकिन सीजेड बाइनेंस वाली जो अपडेट थी भैया अप्रूवल को लेके, बर्निंग मैकेनिज्म को लेके, यहाँ पे मार्केट में इम्पैक्ट नज़र आया था। काफ़ी टाइम से 40-45% नीचे गिरा भी था। लेकिन गाइस जैसे बायकट हैशटैग लोगों का जो क्रिप्टो ट्रेडर्स का जो हैशटैग हुआ है ट्वीट पे ट्रेंड किया है, तब से बाइनेंस का जो मेन एक्सचेंज है भैया उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डाउन हो गई थी। मतलब कॉइन की जो कह सकते हो सेलिंग और बाइंग वो भैया कम कर दिए लोगों ने, और जाके भाई ट्वीट पे ही जा रहे कि हैशटैग बाइनेंस बायकट, ये चीज़ें आ गई थी। इससे समझ में आता है कहीं ना कहीं एलयूएनसी के होल्डर्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। होल्डर्स छोटे रिटेल इन्वेस्टर तो ही, साथ में बड़ी वेल्स भी है। इन सब अपडेट से एक चीज़ समझ में आ जाती है, वेल्स का भी बड़ा रोल हो जाता है, तभी ट्वीट पे ट्रेंड कराया जा रहा है। सारी चीज़ों को गाइज मिला के अगर अपन देखें तो एलयूएनसी की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है। तो गाइज बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बाइनेंस से रिलेटेड, और काफ़ी सारे होल्डर्स ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला भी है। वीडियो पसंद आता है गाइज तो एक लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।